जयपुर के पूर्व राजघराने की माने तो वे अयोध्या के राजा भगवान श्री राम के वंशज हैं। जी हाँ, यहाँ के पूर्व महाराजा भवानी सिंह भगवान राम के पुत्र कुश की 307वीं पीढ़ी से थे। वहीं गुलाबी नगरी जयपुर को बसाने वाले महाराजा सवाई जय सिंह का नाम कुश के वंशजों में 289वीं पीढ़ी में अंकित है। यह बात इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान जब 9 अगस्त को शीर्ष कोर्ट ने पूछा था क्या भगवान राम का कोई वंशज अयोध्या या दुनिया में है, तब रामलला के वकील ने कहा था पता नहीं। तब जयपुर के पूर्व राजघराने के महाराजा भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी ने दावा किया था कि उनका परिवार भगवान राम के बड़े बेटे कुश के नाम पर ख्यात कुशवाहा वंश के वंशज हैं। वहीं जयपुर राजघराने की पूर्व राजमाता पद्मनी देवी ने कहा था कि हम नहीं चाहते कि वंश का मुद्दा बाधा पैदा करे, राम सबकी आस्था के प्रतीक हैं, इसलिए हम सामने आए हैं कि हाँ हम उनके वंशज हैं और इसके दस्तावेज सिटी पैलेस के पोतीखाना में। पूर्व राजकुमारी और वर्तमान में राजस्थान में राजसमंद से भाजपा की सांसद दिया कुमारी ने इसके कई सबूत भी दिए हैं। उन्होंने एक पत्रावली दिखाई जिसमें भगवान श्री राम के वंश के सभी पूर्वजों का नाम क्रमवार दर्ज है। इसी में 289 में वंशज के रूप में सवाई जय सिंह और 307 में वंशज के रूप में महाराजा भवानी सिंह का नाम लिखा है। दोस्तों, सांसद दिया कुमारी ने 3 सबूत पेश किए थे। दोस्तों, सिटी पैलेस के ओएसडी रामू रामदेव के अनुसार कच्छवाहा वंश को भगवान राम के बड़े बेटे कुश के नाम पर कुशवाहा वंश भी कहा जाता है। इसकी वंशावली के मुताबिक 62वें वंशज राजा दशरथ थे, 63वें वंशज श्री राम, 64वें वंशज कुश थे, 289वें वंशज आमेर जयपुर के सवाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह और सवाई माधो सिंह व पृथ्वी सिंह रहे, भवानी सिंह 307वें वंशज थे। सिटी पैलेस के पोतीखाना में रखे 9 दस्तावेज और 2 नक्शे साबित करते हैं कि अयोध्या के जय सिंहपुरा और राम जन्म स्थान सवाई जय सिंह द्वितीय के अधीन थे। प्रसिद्ध इतिहासकार आरनाथ की किताब द जय सिंहपुरा ऑफ सवाई राजा जय सिंह एट अयोध्या के एनेक्सर 2 के मुताबिक अयोध्या के राम जन्म स्थल मंदिर पर जयपुर के कच्छवाहा वंश का अधिकार था। इतिहासकारों के मुताबिक जयपुर की बसावट के पहले जौहरी बाजार में रामलला जी का मंदिर बनवाया गया, इसका नाम रामलला जी का रास्ता रखा गया। वहीं सिटी पैलेस में सीताराम द्वारा में पहुंचकर जयपुर के महाराजा सबसे पहले दर्शन करते थे। युद्ध और राजा की सवारी में सीताराम जी का रथ सबसे आगे होता था। यहाँ जयपुर रियासत के सरकारी परमानों पर श्री सीताराम जयती लिखा जाता रहा है। जयपुर को 9 चौकड़ी में बसाया गया, इसमें एक चौकड़ी का नाम रामचंद्र जी की चौकड़ी रखा गया। चांदपोल बाजार और हवा महल बाजार में भव्य राम मंदिर बनाए गए। इसी तरह सवाई जय सिंह ने भगवान राम के समान जयपुर में स्थापना के वक्त राज सूर्य अश्वमेघ यज्ञ भी करवाए थे। दोस्तों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय सनातन, सर्वो सनातन।